गोला क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी, सहजनवा में आमी, खजनी में कुआनो और कैंपियरगंज में रोहिन का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। अन्य क्षेत्रों के गांव में बाढ़ का पानी आने की संभावना बनी हुई है। यह जानकारी एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि 10 और 11 अक्टूबर तक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग बाढ़ क्षेत्र में या नदी के किनारे रह रहे हैं वह नदियों में किसी कारण ना जाएं, और अगर बाढ़ का पानी उनके आसपास या गांव में होता है तो ऊंचे स्थान पर या बाढ़ आश्रय स्थल में आ जाएं तथा घर के अंदर जो भी सामान या आवश्यक कागजात है उसे सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि किसी प्रकार की हानि होने से बच सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। समस्त जनपद वासियों को और विशेष तौर पे राप्ती, सरयू, रोहिन, कुआनो नदियों के जो लो लेवल एरिया में बसे हुए गांव हैं और नागरिक हैं, आप सबको सूचित करना है कि कल परसों तक हमारे यहाँ, अभी बलरामपुर में बाढ़ की स्थिति है, धीरे धीरे पानी आगे बढ़ रहा है और कल परसों तक अर्थात 10-11 तक हमारे यहाँ पानी अभी डेंजर लेवल पे तो ऊपर हैं ही नदियाँ, बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मेरा अनुरोध है सभी ग्रामवासियों से जो लो फ्लड लेवल एरिया में रह रहे हैं, कृपा करके नदियों में ना जाएं, और अगर बाढ़ का पानी उनके गांव के आसपास होता है, उनके गांव मैरूंड होते हैं, तो पहले से चिन्हित ऊंचे स्थल पर बाढ़ सरलालय में आ जाएं। अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दवाइयां हैं, जो आवश्यक कागजात हैं, उनको कहीं सुरक्षित रख दें और उनको लेकर के बाहर आने की स्थिति हो तो उसको सुरक्षित रूप से बाहर लेकर के आएँ। कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है और कितने गांव प्रभावित हैं सर? ये गोला में जो बड़हलगंज का क्षेत्र है वहाँ एक तरफ से सरयू और एक तरफ से राप्ती, इसी तरह से सहजनवा में आमी का क्षेत्र और खजनी में कुआनों का क्षेत्र, कैंपियरगंज में रोहिन का क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इन तीनों नदियों में राइजिंग ट्रेंड है अभी, और गांव के जो नज़दीक के गांव हैं, नदियों के नज़दीक के गांव हैं, उनमें पानी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध है कि पहले से सूचना है आपको तो कोई भी दुर्घटना ना हो, इससे आप सचेत रहें।